रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र की एक कॉलोनी में बने एक गोदाम में आग लग गई। गोदाम में आग लगने से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आग लगने के बाद पहले तो कॉलोनी वासियों ने पाइप से आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि पानी के पाइप से नहीं बुझ पाई, जिसके बाद दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने से गोदाम में रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के मुताबिक रुड़की ग्रीन पार्क कॉलोनी की गली नंबर 18 में अब्दुल का एक गोदाम है। इस गोदाम में लकड़ी के उपकरण बनाने का कार्य किया जाता है, लेकिन बीती देर रात गोदाम में कर्मचारियों ने गोदाम का कचरा इकट्ठा कर उसमें आग लगाई थी, जिसके बाद कर्मचारी आग को बुझाकर गोदाम को बंद कर अपने अपने घर चले गए। बताया गया है कि आग पूरी तरीके से नहीं बुझी और धीरे धीरे आग बढ़ती चली गई, जिससे गोदाम में रखी लकड़ियों ने आग पकड़ ली। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आग को देख मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। इसी दौरान आग लगने की जानकारी दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कॉलोनी वासियों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तब जाकर कॉलोनी वासियों ने राहत की सांस ली।